अस्सलामु अलैकुम, सुबह बखैर, वेलकम बैक इन अनदर व्लॉग। रुमिसा साहिबा के स्कूल खुल चुके हैं, अल्लाह का शुक्र है। इधर देखिए रुमिसा, आज स्कूल का पहला दिन है, आज आप स्कूल जा रहे हैं भाई। ये देखें रुमिसा, क्या फरेरो रोशी है, ये बहुत शौक से खाती हैं, ये इनकी फेवरेट चॉकलेट है ये। इज इट रुमी? और जी बस अल्लाह का शुक्र, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज रुमिसा ऑलमोस्ट 30 डेज या 28 डेज के बाद स्कूल जा रही हैं। रुमिसा एक्साइटेड हो रही हैं आप स्कूल जाने के लिए? आपने होमवर्क सारा कर लिया? टीचर आपको डांटेंगी तो नहीं, प्यार करेंगी? चलें जी, रुमिसा का सारा काम हो चुका है, अब रुमिसा स्कूल जा रही हैं। और रुमिसा की नई गाड़ी दिखाएं हम आपको, ये देखें जी, रुमिसा साहिबा के पास पोलो वीवो है, ये आजकल अपनी नई गाड़ी में जा रही हैं। इन गाड़ी में देखें रेडियो कैसा लगा हुआ है, ब्लूटूथ लगाते हैं तो हमारा नाम भी लिखा हुआ आ जाता है इसमें, सलमान। और ये हमारी रुमिसा साहिबा है, और ये हम इनके स्कूल पहुँच गए हैं। ये देखें जी, बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, आज फर्स्ट डे है इनके स्कूल का, तमाम पेरेंट्स आए हैं बच्चों को लेके। और आज अजवा जो है वो अपनी गाड़ी में जा रही हैं, कल वो रुमिसा के साथ आएंगी। रुमिसा ने टाई भी पहनी है। हाँ जी, क्या हाल चाल है आप सबके, खैरियत से हैं? चलिए जी, आज आपसे बात करते हैं टैलेंट के बारे में, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, इंडिया में बहुत टैलेंट है, हर मुल्क में ही टैलेंट है, हर इंसान में क्वालिटी होती है, टैलेंट होता है, उसको निखारने की, उसको देखने की जरूरत होती है। तो जैसे कि आप देखेंगे भाई, कुछ लोगों जो फूड मास्टर होते हैं, फूडीज होते हैं, क्यों खाना कितना कितना खा लेते हैं, कुछ टैलेंट रखते हैं ऐसा। जैसे मैं एक वीडियो देख रहा था आज इंडिया गॉट टैलेंट की, वो जो कार्ड्स होते हैं खेलने वाले, उससे वो तरबूज को उन्होंने कार्ड में मारा तो उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड भी, बल्कि गिनीज बुक वर्ल्ड में आ गया। इससे पहले जो रिकॉर्ड किसी साहब का था, उनका था एक मिनट में, चाइना का कोई बंदा था, उसने एक मिनट के अंदर 17 कार्ड तरबूज को मारे थे जो तरबूज में लगे रहे, जो लग के गिर गया वो काउंट नहीं होगा। तो इंडियन गॉट टैलेंट में, सॉरी इंडिया गॉट टैलेंट में एक बंदे ने फर्स्ट अटेम्प्ट में 10 कार्ड मारे, सेकेंड अटेम्प्ट में 14 कार्ड मारे, तो इनको तकरीबन 3 अटेम्प्ट मिलते हैं फाइनल करने के लिए। अगर आप 3 अटेम्प्ट में कर लेते हो अच्छी बात है, पहला करते हो, दूसरा आपकी अगर आप पहले में रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाते किसी का, आपको सेकंड चांस मिलता है अगर आप अवेल करना चाहें, नहीं करना चाहें तो आपकी मर्जी है। अगर आप सेकंड में भी फेल हो जाते हैं या क्लोज जाते हैं, रिकॉर्ड ब्रेक नहीं कर पाते, फिर आपको थर्ड चांस मिलता है जो फाइनल होता है। तो उन साहब ने बकायदा उसको ब्रेक किया, उन्होंने जो कार्ड्स होते हैं तरबूज रखे, क्या उन्होंने उस पर कार्ड मारा, तो उन्होंने तकरीबन 18 से 19 कार्ड मारे, जो पहले बंदे का था उसका चाइना वाले का 17 कार्ड का रिकॉर्ड था। इस दिन हम टैलेंट दिखाने वाले हैं आज आपको पाकिस्तान का। जो हमारे लोग बाइक्स चलाते हैं उनको पता है गाड़ी पंचर भी होती है, रोड भी ऐसे हैं, तो उनका टायर हमेशा निकालना पड़ता है गाड़ी से। तो आज एक शख्स ने देखे किस तरह उन्होंने मजे से पंचर लगाया बिना टायर निकाले, बड़ी मजे की वीडियो है, वीडियो में जुड़े रहें, आई होप आपको वीडियो एंजॉय करेगी। चलें जी, लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये पहली बार मैं देख रहा हूँ इस तरीके से पंचर लगता हुआ, व्हील भी नहीं खुला और ट्यूब निकाली है टायर से ऐसे ही डायरेक्ट, और ये चेक हो रहा है लीक। वाह जी वाह, क्या बात है भाई, बड़े बड़े उस्ताद पड़े हुए पाकिस्तान में। आ गया नजर पंचर, साथ पंचर तो पक्का होगा ना ये, हैं? उससे बहुत बेहतर होगा। अच्छा यार, वो लीक होता है लेकिन वो तो बहुत टाइम के बाद होता है। तो आप ये व्हील वगैरह खोले ही लगाते हैं पंचर? पहली बार देख रहा हूँ मैं ये, जबरदस्त भाई। ये वाटर पंप जो मार्केट है, मार्केट से अंदर आके गली में ये भाई बैठे हुए और बगैर व्हील खोले पंचर लगाते हैं भाई, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ज़िंदगी में एक्सपेरिमेंट होना चाहिए, मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस है और
कितने अरसे से लगा रहे हैं ऐसे पंचर आप? हमने जब से काम सीखा है। मतलब कितना अरसा हो गया यहाँ पर? पहले पंजाब में लगाते थे। पंजाब से आए आप? अच्छा, हम खड़े खड़े लगाते हैं। क्या बात है भाई, बहुत कम ही है इस चीज़ को यूज करके। ये भाई साहब हमारे कारीगर है पंजाब के। पंजाब में कहाँ के? मुजफ्फरगढ़ के। भाई भाई कराची वालों पंचर बनाना सीख लो मुजफ्फरगढ़ वालों से, ज़बरदस्त है भाई, बेहतरीन। अभी तो बेहतरीन अभी तो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन इसका रिजल्ट तो अब बाद में ही पता चलेगा। ये लग गया स्टिकर। साल ऐसा ना हो ये पेंचर बिठा रहे हो नीचे से लीक हो जाए। वाह जी वाह, क्या बात है भाई। 500 रुपये। अब ट्यूब बिठाने का तरीका और ये सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ आपको। निकाली भी बड़ी फनकारी सी थी उस्ताद ने, उस वक्त मैंने वीडियो शुरू नहीं करी थी। ये देखें जी, ये बिठा दी इन्होंने ट्यूब और अब हील में बिठाएंगे। चलें जी देखें, आपने देखा आपने किस तरीके से व्हील बिठाया इन्होंने। उस्ताद जी नाम क्या आपका? इम्तियाज़ उस्ताद, बेहतरीन भाई। अब ये हवा भर रहे हैं और ये हो गया काम कंप्लीट। दुकान है इम्तियाज भाई की। ठीक है भाई, ओके। कितने पैसे इसके? इसके भी 100 रुपये। यार ये तो व्हील खुला नहीं फिर भी 100 रुपये ले रहे हो। आपके व्हील खुला, आप तो नुकसान कर रहे हो, अपने नुकसान तो नहीं कर रहे। व्हील खोलोगे गारंटी तो वाले का, खराब हुआ तो वो तो अच्छा है ना, चूड़ी स्लिप हुई तो आपका कम खराब है, फिट रहा तो फिट रही तो वो तो अच्छा हो जाएगा ना, चीज खुलेगी तो सामने आ जाएगी। अच्छा, टाइम तो बचा लिया आपने। टाइम भी बचा और आपका सारा परफेक्ट है, कोई घिसी छोड़ देता है, कोई रॉड छोड़ देता है। चले जी, बड़ी मेहरबानी। ठीक है इम्तियाज भाई, ठीक है भाई, इंशाल्लाह चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, इंशाल्लाह जो करें तो करने वाला बोला बाकी कुछ करके दिखाया। चले जी, गर्म पंचर लगाना भूल जाओगे। जजाक अल्लाह, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।